हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में आज एक फौजी की पत्नी की घर में घुसकर उसी के देवर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले घर में मौजूद अपने भतीजे को आरोपी चाचा हत्यारे ने दुकान से सामान लेने के लिए भेज दिया। मासूम जब घर में वापस लौटा तो मां लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच आवश्यक तथ्य सबूत जुटा, मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये लहूलुहान शव मृतका सविता का है। इस शव को देखकर उसके मासूम बच्चे की चीख निकल गई। मासूम बता रहा है कि उसके चाचा घर में आए थे और उसे दुकान से सामान लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। जब वापस लौटा तो उसकी माँ मृत अवस्था में पड़ी थी। बच्चे ने शोर मचाया और गोली की आवाज सुनकर घर में मौजूद अन्य लोग निकल कर आए। पुलिस को घटना की सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबूत जुटाए गए। मम्मी, किसने मारा? चाचा ने। क्यों? पर नू कह रहे थे नू चोर अपने ढिंग रख लूंगा और सविता को गोली से मरवा दूंगा। फिर चीज लेने भेज दिया और फिर नू कह रहे थे नू कुबेर लिया और आगे मोटरसाइकिल नू 5 रुपए दे दो। मैं देख रहा तो मम्मी मरी पड़ी। पुलिस का कहना है कि पता चला कि सविता का पति कुपवाड़ा में फौज में तैनात है और उसका विवाद भी शायद पति से चल रहा है। सविता यहां किराए पर रहती थी। पुलिस का दावा है कि मौके से सबूत मिले हैं, घटना का जल्दी पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ये थाना खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में एक सविता नाम की महिला है, जिन 29 वर्षीय, वो यहाँ अपने बच्चे के साथ किराए पर रहती थी तो उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसमें पुलिस को काफी अहम सुराग मिले हैं और हम जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। कुछ पता लगा किसने हत्या की? नहीं, हमारे पास काफी अहम सुराग हैं और हम जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। देवर ने अपनी भाभी की हत्या की क्योंकि इसके पीछे अभी ग्रह कलेश सामने आ रहा है। ये ग्रह कलेश किस बात का है, इसमें कौन लोग शामिल है, क्या कोई जमीनी रंजिश या फिर अन्य कोई बात है? पुलिस सभी बातों का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।